वेलकम टू माई चैनल, मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कस्टम रॉम के बारे में, जो कि यहाँ पे Redmi Note 5 Pro में, तो Redmi Note 5 Pro में जो यहाँ पे पोर्ट मिल जाता है जो कि Pixel 3A का, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो Pixel 3A में जो यहाँ पे Android S यहाँ पे रिलीज़ हो चुका है, जो कि यहाँ पे Android 12, तो यहाँ पे उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। जो कि Android 12 यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि यहाँ पे Redmi Note 5 Pro के लिए, और यहाँ पे 5th February का आपको सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, जो कि देख सकते हो Android वर्जन जो कि यहाँ पे आपको S देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे इस रोम के बारे में बात करने वाला हूँ, इस रोम का परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है, और यहाँ पे गेमिंग के मामले में रोम कैसा है, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट कर लूँ, जो कि एंटीडो बेंच मार्क स्कोर से। इसके अंदर आपको यहाँ पे एंटीडो बेंच मार्क स्कोर देखने को मिलेगा, जो कि 1,47,000 एज़ कम्पेयर टू एम आई वाई, यहाँ पे आपको स्कोर जो है सेम देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे कैमरा टू ए पे अनेबल होने के कारण आप यहाँ पे गूगल कैमरा यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद सभी आपको गूगल्स का एप्लीकेशन मिल जाता है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे वोल्टी कॉस चेक करना है, तो यहाँ पे आपको मैं चेक करके बता देता हूँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो वोल्टी कॉल यहाँ पे सपोर्टेड है। उसके बाद यहाँ पे आपको वीडियो कॉलिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि आपको सभी गूगल्स के एप्लीकेशन मिल जाता है, जो कि अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन बेसिक लगता है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ पर मैं पबजी का भी आपको रिव्यू दूंगा, उससे पहले यहाँ पर मैं कस्टमाइजेशन की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 12 4G OTA बेशक यहाँ पर वर्किंग है। उसके बाद यहाँ पर वाईफाई और यहाँ पर हॉटस्पॉट्स दोनों यहाँ पर वर्किंग है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हॉटस्पॉट्स और यहाँ पे वाईफाई दोनों एक ही टाइम पे यहाँ पे वर्क हो रहा है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो दोनों यहाँ पे वर्किंग है। उसके बाद यहाँ पे ब्लूटूथ भी वर्किंग है, और यहाँ पे ऐप्स में जो है यहाँ पे आपको जो है डिफॉल्ट ऐप को चेंज करने का सपोर्ट मिल जाता है। कोई एप्लीकेशन को अगर आप यहाँ पे अनइंस्टॉल करना है, तो यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। और डिजिटल वेलबींग का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, जो कि अगर आप यहाँ पे ट्रैक करना चाहते हो दिन भर आपने यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे आप बेशक डिजिटल वेलबींग में यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि नोटिफिकेशन में यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन मिल जाता है। उसके बाद जो है बैटरी के यहाँ पे मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो 2 डेज़ पहले यहाँ पे मैं इसको चार्ज किया था, जो कि 2 डेज़ एंड 21 आवर्स पहले यहाँ पे, सिंस जो कि यहाँ पे 1 आवर ऑन 13 मिनट्स यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम है, तो यहाँ पे 36 मिनट्स यहाँ पे जो है एक्चुअल में 4 मिनट एंड 59 सेकेंड्स हो चुका है, तो 5 मिनट्स का यहाँ पे वीडियो अप्रॉक्सीमेटली बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जो कि बैटरी बैकअप कितना रहता है वीडियो के एंड तक। तो यहाँ पे देख सकते हो 36% है, लेकिन यहाँ पे बैटरी बैकअप थोड़ा अच्छा ही है, जैसे कि यहाँ पे आपको एक न्यू एंड्रॉइड वर्जन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेट में यहाँ पे देख सकते हो, साउंड आपको यहाँ पे जो है रिंगटोन में मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप चेंज करके यूज़ कर सकते हो। उसके बाद स्टाइल एंड वॉलपेपर में देख सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे कस्टम मिल जाता है, जो कि आइकॉन्स, और उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि वॉलपेपर्स, और यहाँ पे आपको ग्राइड मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटीज़ मिल जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी, उसके बाद यहाँ पे लोकेशन, और यहाँ पे सिक्योरिटी में फेस अनलॉक नहीं मिलता है, फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो फिंगरप्रिंट आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो फिंगरप्रिंट, तो फिंगरप्रिंट यहाँ पे फास्ट, और यहाँ पे जो कि आपको कोई भी डिले नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सेफ्टी एंड इमरजेंसी, उसके बाद अकाउंट्स, गूगल, यहाँ पे सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे जैक्सेस का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे स्वाइप फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशन ये वर्क नहीं होगा। उसके बाद जो यहाँ पे स्वाइप फॉर नोटिफिकेशन से भी वर्क नहीं होगा, क्विक ओपन कैमरा ये वर्क होगा। उसके बाद सिस्टम नेविगेशन, जो कि अगर आप जेक्सेस यूज़ करना है तो जेक्सेस यूज़ कर सकते हो, नेविगेशन बटन यूज़ करना है तो नेविगेशन बटन आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि 100 ली मोड, उसके बाद डबल टैप टू चेक फोन, उसके बाद जो है लिफ्ट अप टू चेक फोन, उसके बाद प्रिवेंट रिंगिंग, यहाँ पे पावर मेनू जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अपडेट चेक करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे ही मिल जाता है। उसके बाद अबाउट फोन के बाद जो है आपको यहाँ पे टिप्स एंड, आपको यहाँ पे जो है टिप्स के बाद जो यहाँ पे टिप्स एंड सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक गेम प्ले कर लेता हूँ, जैसे कि आपको पता चल जाएगा। तो गेमिंग के मामले में यहाँ पे एंड्रॉयड 12 कैसा है आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक पबजी प्ले कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं ग्राफिक सेटिंग की बात कर लूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि बैलेंस के साथ आपको यहाँ पे मीडियम का सपोर्ट मिल जाता है। तो चलिए गेम प्ले कर लेते हैं। थोड़ा यहाँ पे लैग हो रहा है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो।
स्क्रीन प्ले यहाँ पे थोड़ा लैग हो रहा है। तो यहाँ पे एंड्रॉयड 12 में यहाँ पे आप गेम प्ले नहीं कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको फ्रेम रेट भी अच्छा देखने को नहीं मिलता है। तो इसके कारण आप यहाँ पे पबजी नहीं खेल सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डिवाइस भी हीट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, और जो मेरा यहाँ पे रिव्यू था अगर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसे कि Redmi Note 5 Pro के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।